आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में सपा की अहम बैठक हुई है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव नेताओं के संग ये बैठक करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर चर्चा यहां पर होगी सपा की तरफ से, सपा अध्यक्ष की तरफ से। कोलकाता में आपको बता दें कि सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिससे पहले यहाँ पर ये तैयारी बैठक में सभी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की 17 से 19 मार्च तक कोलकाता में। आपको बता दें कि कार्यकारिणी की बैठक होगी सपा की, जिसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की भी तैयारियां इस कार्यकारिणी की बैठक को लेकर दिखाई दे रही हैं। और कार्यकारिणी की बैठक से पहले आपको बता दें कि अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से यहाँ पर तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ ये अहम बैठक ली जा रही है। साथ ही पार्टी मुख्यालय पर आज ये सपा की अहम बैठक होगी। इस बैठक में तमाम तरीके से नेताओं के संग बैठक यहां पर अध्यक्ष करेंगे, और इसके अलावा तमाम रणनीति बनाई जाएगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर, किस तरह से पार्टी को एकजुट करने का कार्य इस कार्यकारिणी की बैठक से करना है, इस बात को लेकर चर्चा यहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे सभी नेताओं के साथ। और इसी के साथ इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से यहाँ पर तमाम रणनीति राज्य सरकार को घेरने की भी होगी, और आने वाले चुनाव के अंदर क्या कुछ रणनीति सपा की रहेगी तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी इस कार्यकारिणी में तय होगा। और कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले ये बैठक अखिलेश यादव की तरफ से तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ, और साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने का कार्य यहाँ पर इस बैठक के माध्यम से सपा करने जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो फिलहाल किस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से सपा की ये जो पहले अहम बैठक है वो होने जा रही है, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से इस बैठक में चर्चाएं रणनीति की जा सकती है नेताओं के साथ? जी आपको बता, राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर ये बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान सपा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई थी उन पर चर्चा की जाएगी, और साथ ही साथ बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर और जिला स्तर पर और तमाम राष्ट्रीय संगठनों या तमाम वो पदाधिकारी हैं साधने का काम करती हुई दिखाई दे रही है, और इसी कवायद में आज ये बैठक चल रही है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर चर्चा की जाती है, और आपको बता दें कि आने वाले दिनों 17 मार्च से 19 मार्च तक जो कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, तो इसको कहीं ना कहीं इस बैठक को अहम माना जा रहा है। और साथ ही साथ बता दें कि इस बैठक के दौरान राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा भी हो सकते हैं, जो कि किरणमय नंदा कोलकाता से आते हैं और कोलकाता की राजनीति की परख रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, ये समाजवादी पार्टी के लिए, चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा या विधायक चुनाव की बात की जाए, लगातार महत्वपूर्ण बैठक होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर किन मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी, चुनाव में किन मुद्दों को लेकर पार्टी की एकजुटता दिखाई देगी, इस पर चर्चा यहाँ पर इस पार्टी की रहेगी। और जाहिर तौर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने की तैयारी भी यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से होगी। चलिए देखना होगा जिस तरह से आज ये अहम बैठक समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी मुख्यालय पर होनी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कोलकाता में आपको बता दें कि 17 से 19 मार्च तक सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने जा रही है। देखना होगा किस तरह से क्या अहम चीज़ें जो हैं वो अखिलेश यादव की तरफ से आज इस बैठक के दौरान चर्चा की जाती है तमाम नेताओं के साथ।